आप लोग मीडिया से हैं, तो कैसे पता चला कि मैं इतना ज़्यादा मतलब कि फेमस हो चुका हूँ? सोशल मीडिया का जमाना है दादा। अच्छा, सोशल मीडिया पे देखें, बिहार से दौड़े दौड़े आ गए मिलने के लिए। अच्छा, आप बिहार से आए? हाँ, नालंदा से। कौन से जिले से? नालंदा। नालंदा जिले से। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मेहनत कर रहे हो आप लोग, आपका न्यूज क्या है? नालंदा दस्तक। नालंदा दस्तक। हाँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, आप मतलब खबर को पहुंचाते हैं। हाँ। बेटा, आप लोगों की ही वजह से जो मेरा खबर लोगों तक, दादा का खबर पहुंच पा रहा है, लोग देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों का भी बड़ा योगदान है। भैया, आप कहाँ से हैं, आ जाइए। कुशीनगर से आए हुए हैं, और आपका वीडियो सोशल मीडिया पे इतना वायरल हो गया है। अच्छा। कि हर कोई आपको देखना चाहता है। अच्छा, तो आपको अपने चैनल पे दिखाने के लिए। अच्छा अच्छा, आपको ट्रेन पकड़े हैं, चले आए हैं। अच्छा अच्छा, आप भी जानते हैं ना, सफलता तो एक दिन में मिलती नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ठान लो तो एक न एक दिन जरूर मिल जाती है। ये बात तो सही कह रहे हैं। और आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। ऐसा ही हुआ। अच्छा, आप लोग भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। जी। कितने बजे रात को बैठे थे आप ट्रेन पे? 7 बजे रात को पकड़े थे ट्रेन। अच्छा, 7 बजे सुबह में पहुंचे हैं बनारस। बहुत बढ़िया बेटा, मैं भी ऐसा आया करता था जब मेरे जो डिजिटल मालिक हैं दिवाकर शर्मा जी हैं, जब मैं इनके यहाँ आया करता था ना, तो मैं रात को ट्रेन पकड़ता था 11 बजे 12 बजे। कोहरा पड़ता था, ठंडी पड़ता था, फिर भी मैं अपने स्ट्रगल में लगा रहा। बेटा, आप लोग भी लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं कामयाबियाँ आप लोगों को मिलेगी। भैया, आपका परिचय? बेतिया 24 न्यूज़ से। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो चैनल वनल तो आपका चल रहा होगा? हाँ, चलता है। बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया, मेहनत कर रहे हैं आप लोग, दिन रात दौड़ते हैं। हाँ, हाँ। आप लोग तो देश दुनिया की खबर लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो समझो आप भी एक हमारे देश के जो नौजवान सेना होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपका भी योगदान रहता है। लोगों को खबर पहुंचाते हैं तभी कुछ कार्य हो पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। वायरल हो जाए, हम लोग भी उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में इससे भी बड़ा धमाका आप करें। बिल्कुल, ऐसा ही वायरल हो। भैया, ये अच्छा, भैया लोग भी आए। भैया, बहुत बहुत आप लोग कहाँ से आए हैं भैया? मेरे भाई जब नालंदा से आ सकते हैं, भाई पश्चिमी चंपारण से आ सकते हैं, तो पूर्वी चंपारण से हम भी तो आ सकते हैं। अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी मिलती है आप लोगों को देख के। मैं बताऊं, ये दादा जो लोग देख रहे हैं ना, इतना प्यार आशीर्वाद कोई मिलने भी नहीं आता था, कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन आप लोग आ रहे हैं तो मुझे, मेरी जो पावर है ना, वो और ज्यादा बढ़ रही है। और दुगनी हो रही है। जवान हो जा रहे हैं। मतलब आप जैसे नौजवान, जब कृपा है। हाँ, अब जैसे नौजवान मुझसे मिलने आएंगे तो फिर नौजवान तो होना ही पड़ेगा, फिर वो तो कीड़ी काटेगी ही ना अंदर, तो वही बात। भैया, भैया को दिखाइए। भैया, आपका क्या नाम है? राहुल। राहुल, अच्छा अच्छा, साथ में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करते हैं, आपका वर्क क्या है? न्यूज़ करते हैं साथ में। अच्छा, न्यूज़ करते हैं। बेटा, मेहनत आप लोग करते हैं, बड़े दादा को बड़ी खुशी मिल रही है आप लोगों को देख के। बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाइए, पास में आ जाइए। तो आइए आइए। काका नमस्ते, प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। काका हलवा। काका एकदम ठीक है बेटा। आप जैसे नौजवान जब मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ इस पीढ़ियों में सिर्फ जो लड़कियाँ सेलिब्रिटी होती है, हीरोइने ना, उनसे मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन अचानक से जो हो रहा है तो आप लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो बड़ी खुशी मिल रही है। काका, दिन ब दिन चेहरवा कुछ ज्यादा रौनक लौकत है। मैं दिन ब दिन चेहरवा कुछ ज्यादा रौनक लौकत बा, चमकत बा चेहरवा का बाद बा। स्मार्ट कुछ मिला का बिया हुआ था भगा? मेरा नहीं, मेरी बुढ़िया है। अच्छा। करने भी नहीं देगी। मेरे को ऑफर तो बहुत ही सारे आ रहे हैं, करने नहीं देगी। ऑफर ऑफर आवत है? हाँ, शादी का ऑफर आया था मेरे को। अच्छा, तो दादाजी शादी कर लीजिए। तो लड़की ने बोला, दादाजी आप ज्यादा दिन तो जिंदा रहने वाले हैं नहीं, तो 2-4-5 साल तुम झेल लूंगी, तो उसके बाद सारी प्रॉपर्टी आपकी मेरी हो जाएगी। ठीक ठीक गुरुजी। तो ऐसा कुछ ऑफर दिया, तो मैं बोला नहीं, थोड़ा मिस्टेक है इस लड़की में, तो मैंने ना बोल दिया। मैं बोला मेरी बुढ़िया ही सही है। आइए, क्या नाम है आपका? काका, नाम हमारा अमित कुमार पटेल बा। अच्छा, और काम जोन बा, अकेल बा। काम अकेल बा। हाँ, बाकी रिपोर्टर गांव वाला चैनल के नाम। मतलब कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है? ना ना, माहौल अब एकदम गड़बड़ बा, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो नया है, एक थोड़ा हब हो गड़बड़ आएगा। तो भगवान ने आपको दो आंखें दी है, दो आंखें आपने खुद लगा के रखा है, 4-4 आंखें लगा के रखा, तो किसी को देख के दिल में बसाइए ना। अरे साहब, किसी को देख के दिल में बसाने की क्या जरूरत है? अच्छा, काम ऐसा कीजिए कि लोग खुद आ जाएं।
बसे और बसाने से मतलब वो काम खत्म हो जाए ना, जैसे आपके लिए हम लोग आ गए हैं। सही कह रहे हैं, सही है, सही कह रहे हैं कि मेहनत इतनी तगड़ी की जाए कि चपुम चाप हो जाए का मतलब है। हाँ, करो की हद कर दो, वाह, करो की हद कर दो, हाँ, कि दुनिया तुम्हें सलाम करे, वाह। और कुछ ऐसा है, मैं भूल रहा हूँ, अभी मिस्टेक हो रहा है, आपका नाम क्या है दादा? हाँ, अपन वाला गनवा सुना था, जोने नाते हमन आयल बाटी, लोग सुने आए हैं आपको, खाली सुना था। अच्छा, खाली बार समय पार हो जाए। अच्छा, भैया को दिखाइए, भैया को दिखाइए, मेरा गाना सुनने आए? अरे और तभी सुन के आए हैं ना, प्रतापगढ़ से। अच्छा, प्रतापगढ़ से आए? हाँ, बड़का जिला, अरे राजा किला किला। आप तो हमारे गाँव के। अरे कहाँ गए दादा, कैसे हैं? बढ़िया दादा, बढ़िया, एकदम बढ़िया। हालांकि थोड़ा सा जो करीबी होता है ना, हाँ, हाँ, हाँ। तो थोड़ा खुशी मिलती है जी, थोड़ा अकेला अकेला सा महसूस कर रहा है। इतने लोग आए हैं और इतने दूर दूर से आए हैं, सबसे गले नहीं, प्यार मोहब्बत सबका है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? जैसे लोग तो सब, प्यार तो सभी के लिए है, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को डिस्टर्बिंग होगा तो मेरे घर के ही लोग मेरे को बचाने दौड़ेंगे, तो इसीलिए मैं, जो मेरे अंग रक्षक हैं, तो मैं इसलिए मैं गले मिल रहा हूँ, हाँ, मैं गले इनसे इसलिए मिल रहा हूँ कि मेरे अंग को समझ लो कि मेरे अंदर अभी ताकत रह नहीं गई है, तो आप लोग मेरे बगल के हैं, प्रतापगढ़ के हैं, तो मेरी सुरक्षा में आप लोग रहेंगे। अरे नहीं दादा, आप पूरा सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिए हैं, इस समय आप ही चर्चा है कि ऐसा है, आपके वजह से ना जाने कितने लोग वायरल हो रहे हैं, कि पूरा माहौल बना दिए हैं एकदम। अच्छा, हाँ दादा, तो मेरी ही चर्चा चल रही है। और है? बुढ़िया के प्यार में पड़ लाला और गनवा गौले रहला उस सुना था एक बार। अच्छा, जो बुढ़िया मेरे प्यार में थी। हाँ, और तुहार हीरोइनिया ना लौकतिया हो? कौन हीरोइनिया? तुहार कौन सी हीरोइन मेरी? वो जो संगरिया रहल। अच्छा, वो रोशनी? नहीं, हाँ, अरे है दूसरा। अच्छा, वो हाँ रागनी, थोड़ा सा तबीयत उसका डाउन था। अच्छा, मैंने बोला उसको, हाँ, अभी मैंने दवा ववा दिया है। अच्छा, तो आएगी अभी। अच्छा, आप डॉक्टर भी हैं? मैं, हाँ, ढुल्लू डॉक्टर के नाम से मैं बहुत ज्यादा ही फेमस था। अच्छा, तो ये तो अभी मैं सिंगर में आ गया हूँ। अच्छा, आप सिंगर बन गए? हाँ, मतलब आप ऐसे बदलते रहते हैं? हाँ, मतलब मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है। तो आज यहाँ पे हैं आप अनुराग एंटरटेनमेंट में, कल दल बदल लेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं, जैसे फल लगता है ना, हाँ, तो एक ही पेड़ में कोई खट्टा फल होता है, तो कोई मीठा हो जाता है, तो कोई और टेढ़ा जैसा हो जाता है, कोई उसको बोलते हैं कि ना ये भैया ऐसा हो गया, तो मैं अपने जड़ को नहीं भूलता हूँ कि मैं जमीन से मेरे को पोषण मिल रहा है, वो चीज में नहीं भूलता हूँ। यहीं से वायरल हुए थे दादा? हाँ, मैं यहीं से वायरल हुआ था। कौन सा गीत गए थे एक बार सुना दीजिए, बहुत ज्यादा लोग सुनना उसको पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं लगातार। अच्छा, हर लोग सुनना चाहते हैं, वही गीत गुनगुना रहे हैं, हम लोग सुबह 4 बजे से निकले हैं। अच्छा, गाड़ी से अपने। अच्छा अच्छा, और वही गीत गुनगुनाते हुए। अच्छा, बहुत ट्रैफिक रहा बनारस में, लेकिन आपको ढूंढते ढूंढते करीब दोपहर में हम लोग आ पहुंचे हैं। भैया लोग भी इतने दूर दूर से 500-500 किलोमीटर दूर से मिलने के लिए आए हैं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, प्रतापगढ़ में आपका कौन सा गाँव है? एकदम प्रतापगढ़ जिला दानपुर गांव पड़ता है, राजगढ़। अच्छा, राजगढ़। और रहते तो हम लोग प्रॉपर मुख्यालय पे ही हैं। अच्छा, मुख्यालय पे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं गाना सुना दो। स्वागत दादाजी, एक बार ताजगी आ जाए, थकावट भी दूर हो जाए हम लोगों की। हाँ हाँ, सुनिए, मैंने जो गाना गाया था जी, जनता का प्यार मिल रहा है, तो वही मैं गाना छेड़ना चाहूंगा। ओके, स्वागत। ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है, ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है, कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है, हो हम अपने प्यार की ये बारिश उन पे बरसाने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में, कलियाना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं,
मेरे दिल पर आने वाले हैं। कुछ तो हुआ रहा होगा दादा आपके साथ है? कोई ऐसा इतना मधुर गीत बिना दिल से गाए मुझे क्या जुबान से गा नहीं सकता। क्योंकि बुढ़िया छोड़ के भाग गई है इसीलिए है ऐसा। कहीं चक्कर तो नहीं है दादा? बुढ़िया का तो कहीं चक्कर नहीं है आपकी? ना ना है। हाँ काका कौन महबूब आने वाले हैं जिकरे लिए आप जो है कलिया नहीं बिछवा रहे हैं दिल बिछाने वाले हैं? हमके तो लगा था कि बुढ़िया फिर से आने वाली है। बुढ़िया? हाँ। नहीं हाँ। कल मैंने फोन किया था। हाँ। तो फोन किया तो बोला बूढ़ा किधर है, तो मैं बोला भी मैं वायरल हो गया हूँ, मेरे को बोलने का भी नहीं, मेरे को सबका प्यार आशीर्वाद मिला है, मेरे को टच भी नहीं करने का। तो मेरे को कभी कभी ढेला से मार भी देती है ना। ढेला से मारती है, लाठी डंडा से नहीं मारती है। मैं तो पास में आने का उसका हिम्मत भी नहीं है। अच्छा। लेकिन दादा पहली बार किससे मिल रहे हैं? बुढ़िया से तो हमेशा से मिलते होंगे, लेकिन पहली बार किससे मिल रहा है? तो जब से मेरी शादी हुई है, तो जब मेरी पहली मुलाकात थी, अच्छा, तो मैंने उसकी आंखों में प्यार देखा था। लेकिन तब से मैं वही प्यार ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मिला ही नहीं। तब से मैं वही पहली पहली बार ही रट रहा हूँ। कितनी उम्र हो गई है दादा आपकी? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। तो उम्र होगी कहाँ से? जब मैं वो पहला मेरा मुलाकात था, तब से उसी ख्यालों में डूबा हूँ। मेरा उम्र वहीं पे रुक गया है। दिल जमा है अभी आपका? हाँ, दिल जबा जबा जैसा है। 30 साल वाला उम्र हो गया। हाँ, 30 साल जैसा उम्र का मेरा अंदर फीलिंग करता हूँ मैं। दादा ये चश्मामा कहाँ से लिए हैं? मैं हाँ। ये चश्मा मैंने इसको पर्सनली जर्मन से बनवाया था। बुढ़िया वाला? नहीं, लग तो वैसे रहा है ना दादा के चार चार ठिलौकेला कोनो कोनो वीडियो में देखले बाटी। लव वाला आवला अखिया में दिल दिल बन जाता है। हाँ, कुछ ऐसा दिल दिल जैसा होता है। हाँ, तो मेरा जो मन होता है, मेरा दिल होता है रंगी रंगी जैसा रहता है। काका दिल दिल जले हैं क्या? दिल में कुछ कुछ होता। अच्छा, बुढ़िया के याद में नया कौन गाना सुना इधर? बुढ़िया के याद में, बुढ़िया के याद में, बुढ़िया के याद में सुनाता हूँ। संगरी बाने बुढ़िया? हाँ ना, ना ही है ना, लेकिन ना। मैं सच बताऊँ ना, बुढ़िया को मैं बहुत ही याद करता हूँ, लेकिन इतनी खड़ूस है वो कि मेरे को, मैं जब प्यार से बात करने की कोशिश करता हूँ तो ऐसी अंगुली काटती है कि मेरे को जब मेरा करेजबा ऐसा जब हिलता है ना, तो मैं तुरंत फोन ही रख देता हूँ। मरिए दादा इसी है, करेजबा कुहुक जाता है। हाँ, करेजबा ऐसा तो कुहुक जैसा होता है, तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, इसीलिए मैं बात भी नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कर लूँ। दूसर बुढ़िया का हम लोग कोशिश करवा दें? ना ना ही, ना ही, ना ही। जब दादा ऐसा गाना तो गई बार जो देखो कहे कि बुढ़िया बाटिन पिता बाटिन तोरे ऊपर दादा मेरे। हाँ तो है ना। अच्छा, कौन बुढ़ियन के लिए एक गाना सुनाई दे? हाँ, एगो आखिरी में हो जाए और सुना दा ऐसे इलू इलू वाला। लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे, लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे, आने वाले प्रेमी, आने वाले प्रेमी, आने वाले प्रेमी अब कसम हमारी खाएंगे, लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे। दादा ये रोशनी के याद में था कि बुढ़िया के याद में था? हमको कंफ्यूजन हो गया है। आपने बोला ना, अरे वीडियो में हम देखते रहते हैं रोशनी को याद कर, रागनी तो साथ में ही रहती है ना। अच्छा, वो तो इनके बच्ची समान है। अच्छा, लेकिन रोशनी जिससे आपका, जिसने आपका दिल ले लिया था, अच्छा, उसके लिए तो नहीं ये है या बुढ़िया के लिए है? दोनों में आप बता दीजिए, रोशनी के लिए है कि बुढ़िया के लिए है? नहीं, अपने का है। मैं कैसा भी हो, भगवान ने जो मेरा जोड़ा बनाया है तो मेरी अर्धांग बन चुकी है, तो मैं तो उसके लिए गुनगुनाता रहूंगा। अच्छा, तो एक अपने प्रेमिका के लिए भी गुनगुना दीजिए। प्रेमिका के लिए? रोशनी के लिए।
मैं इश्क उसका ओ आशिकी है मेरी, मैं इश्क उसका ओ आशिकी है मेरी। अभी थोड़ा भुला गए दादा है, भुला गए बुढ़िया के आज ज्यादा आ गए बा। हाँ ठीक ना, तेरे रोशनी वाला गावे नहीं दलस ना। हाँ ये तो है, कुछ ऐसा ही हो रहा है, इच्छा नहीं हो रही, बुढ़िया की याद ज्यादा आ रही है। बुलवा दे बुढ़िया को, है बुलवा दे। नहीं अभी जाने दीजिए, डिस्टर्ब करेगी, खिंचाई करेगी। आप ही पत्नी से प्रताड़ित हैं तो ये तो यो इवांतर से आ रहा। हाँ तो स्वयं जो है ना, देव के देव महादेव ने भी पीड़ित हो चुके थे, तो ये तो इंसान है ना, तो वही बात है। फिर भी जो औरत होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं, साक्षात दुर्गा होती हैं। कहा गया है कि निंदक नियरे राखिए आगन कुटुंब छवाए। जब तक आपके साथ में आपका कोई पार्टनर निंदा करने वाला नहीं होगा ना, तब तक आपका जीवन संभव नहीं है। क्योंकि जो अहंकार होता है ना, जैसे मैं आपसे डर रहा हूँ, एक बात के लिए सोचिएगा, थोड़ा ज्ञान की बात हो जाए गीत संगीत के साथ साथ में। जैसे मैं आपसे डर रहा हूँ तो आपकी गलतियों को आपसे मैं कह नहीं पाऊंगा। तो कोई ना कोई होता है जो मेरी गलतियों को बताता है, मेरा आईना बनता है। तो वो जो पत्नी होती है ना, वो किसी से डरती भी है, अपने पति से नहीं डरती है। तो यही होता है कि निंदक नियरे राखिए आगन कुटुंब छवाए। तो आपकी निंदा करती रहेगी तो आपका अहंकार कभी जागृत नहीं हो पाएगा, आप डाउन रहेंगे। तो दोस्तों देखा, आप लोगों के लिए दादा ने एक उपदेश भी दे दिया कि जो पत्नियां होती हैं वो आपके शरीर का आधा अंग होती हैं, और यदि वो किसी भी प्रकार की निंदा करती हैं तो आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, दादा यही कहना चाहते हैं ना। हाँ यही हमारे दादा, हम लोगों के साथ आप जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, कीमती आपका समय हम लोग जान रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, जनता जनार्दन को भी। चलिए।